नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट याद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके बीच में यूट्यूब पे आने का बस एक ही उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की बम्पर वैकेंसी। और इसके लिए सिलेक्शन पॉइंट टीम ने जो जबरदस्त रणनीति बनाई है उसके बारे में दो शब्द मैं आपको कहूँगा, और उसके बीच बाद आपके बीच में जीएस के जादूगर जो इस समय प्रयागराज में अपना डंका बजा चुके हैं, ज्ञानेंद्र सर, जीएस सर आपके बीच में आएंगे। 75 क्वेश्चन लेकर आपके बीच में आएंगे और उन 75 क्वेश्चन पर रणनीति बताएंगे। हम लोगों ने दो सेक्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस को डिवाइड कर दिया है, 75 मैथिली और 75 जीएस और हिंदी। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद एज के बारे में हम आपको बताएंगे कि एज छूट के बारे में बच्चे काफी परेशान है कि सर क्या एज छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक बेस पे कोर्ट केस अगर आप लोग करोगे तो सिलेक्शन पॉइंट टीम आपके साथ रहेगी। एसएससी जीडी में एज में छूट दिया गया था, तो इस बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हैं और उम्मीद है कि आपको एज में छूट मिल सकती है। और फिलहाल एज जो अभी आपसे निकला है 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005, ये बॉयज के लिए जनरल, और ये लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए है 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005, ये गर्ल्स के लिए है। बाकी ओबीसी एससी एसटी जो है एज छूट जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा एज छूट में, बाकी किसी को एज छूट नहीं दिया जाएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारा मैथ और रीजनिंग का क्या रणनीति है, हमारी कोचिंग ने क्या रणनीति बनाई है विद्यार्थियों के लिए। तो हम लोगों का जो लक्ष्य है क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सिलेबस के अकॉर्डिंग जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा, और उसके दम पे क्योंकि समय बहुत कम है तो चूंकि सभी टॉपिक को कवर करते हुए प्रैक्टिस के माध्यम से सारे टॉपिक कवर होंगे, हर विद्यार्थियों का अलग अलग तरीके से उनका परीक्षण किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा उनका फीडबैक लेते हुए। और हमारा जो लक्ष्य है 75 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग आएगा 75 क्वेश्चन, इसमें हम लोगों का जो लक्ष्य है कि 70 नंबर तो हर बच्चा ले ही आए, हम लोगों का जो लक्ष्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब हम लोगों ने जीडी में टॉप दे दिया ऑल इंडिया 57, तो आपको पता उत्तर प्रदेश में बाबू सिलेक्शन पॉइंट का तो नाम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा लिस्ट में जो नाम रहेगा अगर टॉप 10 रहेगा तो उसमें सिलेक्शन पॉइंट का एक स्टूडेंट जरूर से आपको मिलेगा। तो हम लोग उसी रणनीति पे काम करेंगे, मैथ और रीजनिंग 75 में 70 क्वेश्चन का रणनीति है कि इतना विद्यार्थियों का सही होना है। अब जीएस के बारे में और हिंदी के बारे में जीएस के जादूगर ज्ञानेंद्र सर आपके बीच में आएंगे, जो कि दिखाएंगे अभी तक पीसीएस एसएससी और जो जीएस होता है रियल उसको दिखाएं, अब पुलिस के बारे में बताएंगे। और आप एक बात आपको और बताना चाहते हैं, यूपी स्पेशल हम लोगों की रणनीति बन चुकी है, इससे बाहर का नहीं आएगा सर, आपको बताएंगे सब। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज ऐतिहासिक दिन है उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार पुलिस की बाट जो रहे थे कि पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, आज वो वैकेंसी आ गई। और केवल वैकेंसी नहीं आई, ऐतिहासिक वैकेंसी, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। एज का जो इशू है वो सर ने डिस्कस किया है, वो आगे उसके लिए जरूर रणनीत बनेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि एज में बच्चों को छूट भी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी, ठीक है। वो तो एज से संबंधित है, हमारी जो रणनीति है जीएस और हिंदी मिलकर के 75, और जीएस आपको पता है हम देखते ही हैं, हिंदी हमारे हिंदी सम्राट कार्तिकेय सर हैं, हम दोनों लोग मिलकर के 75 क्वेश्चन को बिल्कुल आपके लिए हलवा बना करके, और मैंने कल परसों हमारे यहाँ जो गणित दिवस हुआ था 22 दिसंबर को, उसके और उसमें हमने बोला भी था आपसे कि ये 2024 का वर्ष हमारा मतलब सिलेक्शन पॉइंट के अभ्यर्थियों का विद्यार्थियों का होगा। देखिए वो बम्पर वैकेंसी आज जो है आ ही गई, और आ गई तो उसमें आपको पता है कि सबका सिलेबस निश्चित है, उसी के सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपको जीएस का विश्वास दिलाऊं, जीएस का एक दिन में आपको 3 क्लास मिलेगा, 3 क्लास, 2 ऑफलाइन क्लास और 1 ऑनलाइन क्लास।
तब हमारा जाकर के विद इन टाइम पुलिस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा और शानदार रिजल्ट का परचम सिलेक्शन पॉइंट परिवार लहराएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरे हाथ में जो मोबाइल है उसमें मैं लगातार उसी रणनीति पर तब से देख रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको सिलेबस आप तक पहुँचाया जाए जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज तुरंत मिल जाए, वो टॉपिक तुरंत मिल जाए जिससे कि आपकी सफलता गढ़ी जा सके। ठीक है, तो इस जैसा कि आपको सर ने बताया 75 नंबर जीएस और हिंदी, कार्तिकेय सर हिंदी सम्राट और ज्ञानेंद्र सर जीएस 75 नंबर, हमारे में भी दो लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, रजनी दीपक सर और मैं हम आपको देखेंगे, दोनों लोग मिल के 75 क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। तो हमारी टीम के बारे में आप लोग नाम देख लिए, नाम ही काफी है, कहा गया प्रयागराज का बुलडोजर टीम, तो लोग कहते हैं सिलेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो बुलडोजर एकदम तैयार है, बस अब जरूरत क्या है आप लोग लग जाइए। तो इसी के साथ